लैक्मे फैशन इंस्टीट्यूट पर धर्मांतरण के लिए उकसाने के आरोप में अब बजरंग दल के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने पहुंचकर जमकर हंगामा काटा है और इंस्टीट्यूट के सामने बैठकर हनुमान चालीसा पढ़ते हुए विरोध प्रदर्शन किया है। किसी भी घटना को देखते हुए बड़ी संख्या में पुलिस मौके पर मौजूद रही। विरोध प्रदर्शन के दौरान ही बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने इंस्टीट्यूट की संचालिका रक्षंदा खान का पुतला भी फूंका है। बजरंग दल के पदाधिकारियों का कहना है कि इस तरह से धर्मांतरण की भूमिका चलाने वाले इंस्टीट्यूट 24 घंटे में बंद नहीं किए गए तो फिर इससे भी बड़ा आंदोलन किया जाएगा। दरअसल कल 3 स्टूडेंट्स ने डीएम ऑफिस पहुंचकर एक शिकायती पत्र सौंपा था, जिसमें उन्होंने गंभीर आरोप लगाते हुए कार्यवाही की मांग की थी। उनके समर्थन में आज बजरंग दल के सैकड़ों कार्यकर्ता नारेबाजी करते हुए सिविल लाइन स्थित लैक्मे इंस्टीट्यूट के सामने पहुंच गए और जमकर हंगामा किया है और एक ज्ञापन भी जिला प्रशासन को सौंपा है। मेरा नाम तान्या है। क्या मामला है और क्या विरोध है आपका? विरोध हमारा ये है कि यहाँ पे हम पढ़ाई करने के लिए आए थे, लेकिन हमें पढ़ाई के नाम पे यहाँ पे इस्लाम धर्म सिखाया जा रहा है। हाँ, हमारा मुद्दा ये है कि हमें यहाँ पे पढ़ाई करने के लिए आए थे। हमने यहाँ पे 1,25,000 रुपये, किसी बच्चे ने कितने दिए, 2 लाख, 2.5 लाख, सबकी फ़ीस अलग अलग है यहाँ पे, ठीक है। तो पढ़ाई के नाम पे यहाँ पे इस्लाम धर्म सिखाया जा रहा है। हमें हिंदू मुस्लिम में, मतलब हिंदू बच्चों को नीचे रखा जाता है, मुस्लिम बच्चों को बहुत ऊपर रखा जाता है। और जितने भी वो होते हैं, हमें मतलब बताया जाता है कि मैं एक हिंदू थी और मैंने मुस्लिम से शादी कर ली, और मैंने तो 19 साल की एज में भाग के घर से शादी कर ली थी, लेकिन आज मैं बहुत खुश हूँ और मेरी फैमिली भी मान गई है। इसको कहा गया है कि क्या कहते हैं, तुम भी ऐसा कर सकती हो। हमें मुसलमान लड़कों से जोड़ा जाता है यहाँ पर हमारा नाम, और हमें प्रेरित किया जाता है कि आप भी यहाँ पर मुस्लिम लड़कों के साथ यहाँ पर रह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आगे घर वाले सब मान जाते हैं। और अगर हम उस चीज़ को बोलते हैं इनसे, तो हमें बोलती है कि ठीक है, अगर मैं ऐसे नहीं बोलूंगी, तुम भी, हम नॉनवेज के लिए बोलते हैं मेन, क्योंकि हमें पढ़ाया गया कि नॉनवेज शिक्षा की जगह खाना बंद, मतलब अलाउ नहीं है, कि खाना नहीं चाहिए शिक्षक। कौन है जो कहती है सर? रक्षंदा खान। ये पहले हिंदू थी, बाद में वो मुसलमान में कन्वर्टेड हुई है। हाँ, इस चीज को लेके अगर हम उन्हें बोलते हैं कि आप मैम नॉनवेज मत खाइए, क्योंकि आपने हमें पढ़ाया था कि नॉनवेज नहीं खाना चाहिए शिक्षा पे, शिक्षा की जगह जहाँ हम पढ़ रहे हैं, तो बोलती है ठीक है, तो फिर मैं भी तुम्हें रोकूंगी बिंदूर सिंदूर और क्या कहते हैं मंगलसूत्र पहनने से, ये टीका मत लगा के आया करो, कलावा मत पहनो, इन सब चीज़ों को हमें रोका जाता है यहाँ पर। यहाँ पर भी रोका गया? हाँ, यहाँ पर मेरे को भी रोका गया, इसको भी रोका गया है कि यहाँ पे बिरयानी खाओ, तुम मोटी हो जाओगी। मैं खड़ी हूँ, मेरे बेटे बहुत बच्चे हैं यहाँ पे, हिंदू बच्चों के साथ प्रॉब्लम है, जितना भी मुसलमान बच्चा है यहाँ पे पढ़ रहा है, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, उनके साथ चीज़ें सही होती है, उन्हें जिस चीज़ के पैसे दिए गए उनको वो चीज़ दी जा रही है यहाँ पे, अच्छी शिक्षा। हमारे व्रतों को कहा जाता है यहाँ पे कि व्रत मत रखो, ये तो एक डाइटिंग के लिए होते हैं खाली। अगर एक दिन पहले अभी डीएम साहब को, हाँ, मैंने विज्ञापन दिया था, यही शिकायत थी मेरी, मेरे को ये अकेडमी बन चाहिए। आज मेरे साथ हो रहा है, यहाँ पे प्रेरित किया जा रहा है एक की क्या कहते हैं, कोई बात नहीं, मुसलमान लड़कों से शादी भी कर लोगे तो क्या जा रहा है आपका, कोई दिक्कत नहीं है। अब दी है हमने, अब आगे अपना वो रखेंगे। हमारी मांग यही है कि अकेडमी बंद होनी चाहिए, ये यहाँ की ऑनर चेंज होनी। देखिए, एक प्रार्थना पत्र एक वहाँ पर एक ट्रेनी के द्वारा हमें प्राप्त हुआ था, जिसके क्रम में उनके द्वारा जो इंस्टीट्यूशन के हेड हैं उनके ऊपर आरोप लगाए गए थे कि उनके साथ वहाँ पर दुर्व्यवहार भी किया जाता है और उनको उकसाया जाता है धर्म परिवर्तन के संबंध में। इस संबंध में इसका संज्ञान लेते हुए थाना सिविल लाइन जनपद मुरादाबाद में अभियोग पंजीकृत किया गया है और इसकी विवेचनात्मक कार्रवाई थाना सिविल लाइन से की जा रही है। इसमें गुणवत्ता के आधार पर साक्ष्य संकलन करते हुए विवेचनात्मक कार्रवाई की जाएगी। सर, कितनी विक्टिम है, कितनी शिकायतें हैं? देखिए, अभी तक जो प्रार्थना पत्र मिला था उसमें 3 विक्टिम और 1 पुरुष और 2 महिलाएं, और साथ के साथ में जो एक्यूज्ड हैं वो 2 हैं। सर, वो क्या बता रही हैं अपनी शिकायत में कि क्या होता है उनके साथ, क्या धर्म परिवर्तन को लेकर दबाव बनाया जा रहा है? देखिए, उनको उकसाने की उनके द्वारा बात की गई थी, बाकी जो विवेचनात्मक कार्रवाई है उसमें डिटेल से सारी के सारे तथ्यों को, उन सभी जितने भी अपने आप को विक्टिम बताया गया है उनसे डिटेल में साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की जाएगी और तब उसमें विवेचना के निष्कर्ष पर पहुंचा जाएगा। कैसा सिंदूर लगा के नहीं जाने दिया जाता, इस तरीके की बातें? ये विवेचना का विषय रहेगा, विवेचना में जो चीजें आएंगी उसके संबंध में कार्रवाई की। वहाँ पर मुस्लिम लड़कों से दोस्ती करने के लिए उन्हें प्रेशर किया जाता है, जो
अभी अभियोग पंजीकृत किया गया है, इसमें विवेचनात्मक कार्रवाई प्रचलित। हाँ, जो विवेचना है वो गुणवत्ता पूर्वक होगी और हर पहलू पे उसमें जांच की जाएगी और जांच के आधार पे जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उसके आधार पे कार्रवाई की जाएगी। देखिए, इसमें मुकदमा अपराध संख्या 603/24 थाना सिविल लाइन पे रखा गया है और इसमें BNS के अंतर्गत 299, 351 2 और 318 1 के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। सर, इंस्टीट्यूट के कितने लोगों के खिलाफ मुकदमा है? क्योंकि दो लोगों के खिलाफ मुकदमा लिखा गया। पहले भी इनके ऊपर इस तरीके के एलिगेशन लगे थे? उसके संबंध में भी थाना सिविल लाइन पर जांच कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। अभी विवेचनात्मक दृष्टि से और साक्ष्य संकलन करने की दृष्टि से इंस्टीट्यूशन पर सील लगाई गई। ये चीज बेहतर आपको आईओ बता सकती है।